बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही मुझे फेसबुक पेज किसान व्लॉग पर भी लाइक और फॉलो करें। आज बात करेंगे सिंध के अंदर दो ऐसी वैरायटियों ने धूम मचा दी है जिनकी पैदावारी सलाहियत 60 मन से ऊपर आई है। झूठ कहने के लिए मैं 80 और 70 भी कह सकता हूँ, मगर 60 मन जो हमारे सामने आई है वो एवरेज आपके साथ शेयर करूँगा। तो उनको क्या क्या दिया गया वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो जो दोनों मुनफरद वैरायटियां हैं, फखरे भखर और दिलकश, बहुत ही उम्दा रही हैं, बहुत ही अच्छी इनकी औसत आई है। इन दोनों को 4 खादें दी गई, 4 दफ़ा फर्टिलाइज़र दिया गया, 4 पानी लगाए गए हैं। शुरू में जब छटा किया गया गप छट के साथ, तो इसको DAP और प्लस SOP दिया गया। जर्मिनेशन बहुत अच्छी हुई। इसके बाद दूसरे पानी में इसको यूरिया और जिंक दिया गया। तीसरे पानी में सरसब्ज़ NPK ओनली दी गई है। दोनों वैरायटियों की बात कर रहा हूँ, फखरे भखर और दिलकश, दोनों को एक साथ पानी लग रहा था। दोनों की 7-7 प्लाट थे और वो प्लाट कटाई हो चुके हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो यह 3 खादें होगी। चौथी खाद इसको सिर्फ यूरिया दी गई है। तो माशाल्लाह इसने कद भी बहुत अच्छा किया, सिट्टे भी बहुत अच्छे बनाए, और उसकी एवरेज लास्ट में बताऊंगा कितनी आई है। वही जो मैंने कहा 60 मन से ऊपर, मगर कितनी ऊपर आई वो आपको कंफर्म बता दूंगा। तो दो इसको फॉलियर स्प्रे किए गए हैं। पहला स्प्रे इसको किया गया था NP और अमीनो एसिड। दूसरा स्प्रे इसको किया गया था जब सिट्टा निकालते वक्त पोटाश प्लस बुरान। और तीसरा एहतियातन इसको स्प्रे किया गया था टिलट का, पीले पत्ते ना रेस्ट ना लगे। तो ये सारा मेथड जो इसके ऊपर कंप्लीट हुआ है, और माशाल्लाह इसकी एवरेज जो आई है वो 68 मन आई है। दिलकश की और फखरे भखर की आई है 65, एक की 68 मन, फखरे दिलकश और फखरे भखर 65 मन। तो माशाल्लाह ये सीज़न बहुत बम्पर रहा है सिंध के अंदर, खासकर बहुत अच्छी फसलें हुई हैं। मेरे बताने का मकसद है कि सिंध में 10 मन भी एकड़ निकला है, वो ज़मीनों की कंडीशन पर है। हम क्या डालते, अगर बीज हम अच्छा भी डालेंगे उसकी खिदमत नहीं करेंगे, पानी टाइम पे नहीं लगेंगे, तो एवरेज कम आएगी। लाजमी नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 70-80 मन आए, तो हम ये भी सोचें हम अपनी फसल को क्या डालते हैं, जो डालेंगे वही काटेंगे। इसलिए माशाल्लाह ये दो वैरायटियाँ इस साल बहुत अच्छी रही हैं। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें।